हूँ प्रकाश और आप देख रहे हैं NMF न्यूज़। मेरे साथ है संत मित्रा अशोका जी। अशोका जी नमस्कार। संत मित्रा अशोका जी भविष्य वक्ता है और उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ 90% तक अभी तक सही हुई हैं। 2017 खत्म होने जा रहा है और 2018 की शुरुआत होने वाली है। हम 2018 की प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। 2018 किस तरह का रहेगा, किस तरह की घटनाएं 2018 में होंगी वो बताएं संत मित्रा अशोका जी आपको। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर आपने सुना होगा। भारत में जो भी भविष्यवाणियां की जाती है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार की जाती हैं, जो कि अप्रैल या मई में जब नव वर्ष होता है, हिंदी नव वर्ष आता है, उसके अनुसार की जाती है। लेकिन संत मित्रा अशोका जी ने पहली बार इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग भविष्यवाणी की है, जो कि न्यूमरोलॉजी और कबाला चार्ट के अकॉर्डिंग है। न्यूमरोलॉजी और कबाला चार्ट में क्या डिफरेंस है ये आपको संत मित्रा अशोका जी बताएंगे। मैं उनसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि सर, आपने जो भविष्यवाणी की है 2018 के लिए वो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग की है, ये क्या है भविष्यवाणी, इससे पहले मैं आपसे जानूँ आप ये बता दीजिए। देखिए, जो नवा संवत हमारा जो मार्च अप्रैल में आता है तो उसमें हम जो भविष्यवाणी करते हैं वो आपका वैदिक ज्योतिष के हिसाब से करते हैं या उसमें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ली जाती है, बाकी विधाएं भी ली जाती हैं, लेकिन प्रेफरली जो है आप जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करते हैं जी। लेकिन 2018 का जो ये फर्स्ट टाइम, दिस इज टोटली न्यू, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी एंड कबाला चार्ट इस दो को ले रहे हैं, सिर्फ 2018 की जो चार डिजिट हैं इसके अनुसार 2018 आने वाला विश्व के लिए कैसा है जी। मतलब इसमें पर्टिकुलर आपका, जैसे आपका जो भविष्यवाणी होती है उसमें राशि वाइज होता है जी। तो पर्टिकुलर लोग जिसका जिस नाम से जो राशि होती है उसके हिसाब से उसको देखते हैं, लेकिन ये उसमें वो नहीं है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक 2018 के लिए चार नंबर्स पे जो है, चार नंबर्स के जो परमुटेशन और कम्बिनेशन बनते हैं प्लस माइनस करके, उन सबको कंसिडरेशन में लेके ये जो है पूरे साल के लिए विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ना कि इंडिविजुअली राशियों के लिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आपको नंबर का जो है 109 तक ही नंबर है जी। तो उसमें ये जो विश्व के लिए है, दुनिया के लिए है कि 2018 आने वाला 2018 कैसा रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग आपका कुछ ऐसा प्रिडिक्ट करके सनसनी फैला देते हैं कि आपका जो है अर्थक्वेक होंगे, वॉर होने वाली है, ऐसी चीज़ें, ऐसी कुछ घटनाएं हैं या नहीं है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका 2018 का प्रिडिक्ट किया। तो 2018 के प्रिडिक्शन में मेरा जो सबसे पहला सवाल रहेगा सर आपसे कि बहुत सारा राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रहा है, 2017 में भी देखने को मिला, क्या 2018 में जो विश्व के टॉप लीडर है या जो बड़े देश हैं उनकी राजनीतिक स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, 2018 में मैं इनिशियल देता हूँ, इस इनिशियल के जो राजनेता हैं किसी भी कंट्री के वो हाईलाइट्स में रहेंगे जी। उसमें इनिशियल आते हैं A, V, P, K, R and T, ये दोनों एक ही उसमें आते हैं जी। एंड N, ये लोग जो हैं ये हाईलाइट में रहेंगे जी। और N, P और T जी विल वर्क फॉर द इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म फ्रॉम द वर्ल्ड मैप। ओके, आतंकवाद को हटाने के लिए तीनों मिलके जो हैं ये काम करेंगे। और ये जो 2018 की जो भविष्यवाणी है, 31/12/2017 जी, रात को 12 बजे से लेके 31/12/2018 के 12 बजे तक के लिए ये की जा रही है। तो 2018 में जो मुख्य मुद्दा रहने वाला है वो आतंकवाद का रहने वाला है और जो दुनिया के बड़े देश हैं वो आतंकवाद पर ही फोकस करने वाले हैं, ये कहना है संत मित्रा अशोका जी का। जहाँ तक आतंकवाद की बात है संत मित्रा जी, भारत का पाकिस्तान के साथ हमेशा आतंकवाद का एक गहरा नाता है। जब भी आतंकवाद की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तान का। आतंकवाद की वजह से ही दोनों पड़ोसी मुल्कों के रिश्ते आज तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। तो 2018 में अब क्योंकि जो बड़े देश हैं वो आतंकवाद पे लगातार चोट करेंगे, तो क्या भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है वो किस तरह के रहने वाला है? देखिए, 2018 की अगर हम लास्ट की और पाकिस्तान के साथ ही क्यों, चीन के साथ ही भारत के संबंध किस तरह के होंगे, जो लास्ट की दो डिजिट लेते हैं तो उसमें 1 और 8 बनता है और इसका जो टोटल जो है 9 बनता है जी। 2018 का टोटल जो नंबर बनता है 2 बनता है जी। 2 का मालिक चंद्रमा। ओके, तो
आंगल भाषा के हिसाब से जो 2018 है उसका वर्ष का राजा जो है चंद्रमा होगा। चंद्रमा कूल, दिमाग से काम लेने वाला और बड़ा एक्टिव, डिसीजंस बहुत एक्टिव होंगे जी। लोगों के जो शॉर्ट टर्म सोचेंगे, चाहे राजनेता हैं चाहे लोग हैं, शॉर्ट टर्म सोचेंगे और ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाला एक वातावरण बना देंगे, राजनेता बना देंगे या विश्व का एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि लोग चाहेंगे जो जीना है इसी में जी लिया जाए, तो आगे की सोचने वाली बात तो नहीं करेंगे जैसा एक पहले भी हुआ था। तो आप कह रहे हैं रिश्ते मधुर होंगे? रिश्ते मधुर होंगे नहीं, किससे? इसके लिए आपका पाकिस्तान के साथ नहीं, कहीं मधुर होने के चांस नहीं है, क्योंकि 1+8=9 इस नंबर का जो मालिक है वो ज्वलनशील, मतलब कहीं ना कहीं जो है सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी अगर वो डिस्टर्ब करेंगे। देश में रिलीजियस सेरेमनी विल बी डिस्टर्ब्ड। ओके, रिलीजियस सेरेमनीज जो है किसी भी तरीके की हैं वो डिस्टर्ब होंगी, जिसके कारण एक्सट्रीमिस्ट और जो टेररिस्ट हैं ये अटैक करेंगे। अगर वो करेंगे तो उसके प्रत्युत्तर में जो है सर्जिकल स्ट्राइक होंगी। ओके, डेफिनेटली है, तो इसलिए उनको संभल के रहना चाहिए कि सोच समझ कर इधर देखें। ओके, 2018 में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में लगातार टेंशन चल रही है। अमेरिका लगातार धमकियां दे रहा है नॉर्थ कोरिया को, लेकिन नॉर्थ कोरिया है कि मानने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में, अमेरिका क्या कोई जैसा भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो अमेरिका क्या नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है किम जोंग उन को चेताने के लिए कह सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे अभी बोला है NPOT जी, एन से नरेंद्र मोदी बनते हैं, पी से पुतिन जी या व्लादिमीर पुतिन जी, और टी से आपके ट्रंप जो हैं। ओके, ये तीनों मिलकर जी विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए, जो विश्व से टेररिज्म और इसको जो है रेडिकेट करने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, जिसमें जो लॉजिकल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लीडर विल बी टुवर्ड द इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म फ्रॉम द वर्ल्ड मैप। इसमें मेन जो है आपका मोदी जी लीड करेंगे और इवन पुतिन भी मान जाएंगे कि ये वाकई में जो मोदी जी के जो विचार हैं टेररिज्म को खत्म करने के लिए वो उसके ऊपर जो अपना लॉजिकल व्यू देंगे उसको जो उनकी जो वर्ल्ड लेवल पे उनकी सराहना होगी। ओके, आपने कहा मोदी जी की सराहना होगी। मोदी 2014 में जब आए थे सत्ता में, तो उसके बाद लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद बढ़ता जा रहा है और मोदी की गिनती अब दुनिया के बड़े नेताओं में हो रही है। तो 2018 को हम मोदी के जो इंटरनेशनल लेवल पर उनका कद है उसको किस तरीके से देखा जाए, मोदी का कद क्या होने वाला है 2018 उसमें? देखिए, स्काई इज द लिमिट जी। मैं तो इवन बताता हूँ कि पड़ोसी देश जो है इसमें इमरान खान जी, जैसे लीडर जो उभर के सामने आएंगे पाकिस्तान में, वो ब्लाइंडली मोदी जी को फॉलो करेंगे। तो पाकिस्तान का बड़ा नेता मोदी जी को फॉलो करेगा, ब्लाइंडली फॉलो करेगा, बोलेगा कि भैया इस चीज को हमें भी अपने उसमें एग्जीक्यूट करना चाहिए, और वो अपने कई भाषाओं उसमें भाषणों में बोल भी चुके हैं जी। इधर जो व्लादिमीर पुतिन है ये जो है आपके इसे क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट उसके हैं जी, फिर भी ये भी जो हर्टली प्रेस करेंगे मोदी जी की और बोलेंगे कि मोदी जी को फॉलो करना चाहिए वर्ल्ड वाइड। तो पुतिन और इमरान खान वर्ल्ड वाइड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहेंगे कि मोदी जी की ये दोनों मोदी की तारीफ करने वाले हैं। और जहां तक बात है अपने देश में जी, ARP और K इनका ये इस इनिशियल के जो भारत के जो नेता हैं, ओके, दे विल कम आउट एंड हेल्प आउट मोदी जी फॉर ब्लैक मनी करप्शन केसेस के लिए ओपनली आके हेल्प करेंगे। ए अरविंद केजरीवाल, आर राहुल गांधी और टी और के, इस ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं दे विल कम ओपनली। तो और जी, जो इतनी गंदगी जो पास्ट में 2014 से पहले फैली है उसको हर एक आदमी आगे बढ़ के, तो मोदी जो करप्शन के खिलाफ उन्होंने ब्लैक मनी और करप्शन के खिलाफ जो लगातार मोदी हमले कर रहे हैं, उन्होंने ब्लैक मनी को लेकर बहुत बड़ा स्टैंड लिया नोटबंदी का, और अब वो कह रहे हैं कि जो अननोन जो बेनामी संपत्ति है उसको लेकर के मोदी आगे आने वाले हैं, कहा जा रहा है कि कोई सख्त कदम उठा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी सराहना मिलने वाली है। और अगर ए और आर हाँ ये लोग सहायता करेंगे, और तो ये भी हो सकता है जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर को उठा के बाहर फेंका है राहुल गांधी ने, राहुल जी ने जी,
तो ये आने वाले टाइम में जिन जिन पे ब्लेम साबित होंगे उनको कांग्रेस से निष्कासित करें। अच्छा, जब भी मोदी जी की बात होती है तो राहुल जी का अपने आप ही जिक्र हो जाता है। मोदी जी का तो हमने देख लिया कि उनका कद लगातार बढ़ते चले जाएगा, तो क्या राहुल जी का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो कम से कम देश के अंदर बढ़ेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। उनका जो है ये जो सा दिसंबर था, इससे पहले उनके स्टार्स ठीक नहीं चल रहे थे। ओके। लेकिन दिसंबर के बाद देखिए, अगर स्टार अच्छे थे तभी अनोपोज वो जो है इतनी भारत की इतनी बड़ी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, तो ये स्टार्स अच्छे थे तभी चुनेंगे। अगर नहीं होते तो अंदर से कोई ना कोई उनके अपोजिशन में खड़ा होता और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो स्टार तो उनके अच्छे हैं, लेकिन उनको बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मोदी इनके राहुल जी के द्वादश भाव में नीच का जो शनि है वो द्वितीय भाव में मंगल और सूर्य के योग को देख रहा है तृतीय दृष्टि से। तो ये चाहते तो कुछ और है बोलना, लेकिन मुँह से कुछ और निकल जाता। तो इसको इनको बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है। तो आप इनको बड़ा सोच समझ के जी, बिल्कुल राहुल गांधी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जाते जाते आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि 2018 में किन किन नेताओं की या फिर कैसे कौन से वो प्रभावशाली लोग हैं जिनकी बैंड बजने वाली है, या सही शब्दों में कहें तो जिनके लिए साल बहुत खराब रहने वाला है? देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड में एल के एच एम और पी ये बहुत बुरी तरीके से सफर करेंगे। okay. इंडिया में जो है एल एम और पी एम की सबसे ज्यादा दुर्गति है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो तीन चार जो मिसिंग जो डिजिट्स हैं वो तीन नंबर वाले, चार नंबर वाले, पांच वाले और नौ वाले ये सफर करेंगे। तो उसमें एम जो है मेन जो है सफर होगा जी। धन्यवाद संत बेत्रा जी। तो 2018 आने वाला है, 2018 कैसा रहेगा हमने आपको बताया। आपको ये डिबेट कैसी लगी, आपको ये डिस्कशन कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही हमें ये भी बताइए, अगर आप किसी सब्जेक्ट पर अपने प्रेडिक्शन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताइएगा। हम संत बेत्रा अशोका जी से जरूर वो प्रेडिक्शन करेंगे। आप खबरों के लिए बने रहिए NMM News के साथ।